गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और आज है सैलेड चैलेंज का डे 5। आई होप आपको मेरे सैलेड्स पसंद आ रहे हैं एंड आप उन्हें ट्राई जरूर कर रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी स्प्राउट सैलेड। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप स्प्राउट्स लिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसको अच्छे से ब्लांच कर लिया है। अब मैं इसका पानी निकाल लूंगी। देखिए, मैंने पूरा पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 चॉप की हुई ककड़ी, 1 चॉप किया हुआ टमाटर, 1 कट की हुई गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लिए एक ड्रेसिंग बना लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर। एक चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिए, आपने सैलेड में भी नमक नहीं ऐड किया है तो अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाते। सैलेड ड्रेसिंग हमारी रेडी है, तो अब मैं यहाँ पर सैलेड ले रही हूँ, इसमें ये सारी ही ड्रेसिंग ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मूंग सैलेड बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।